सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन दे विच। मैं हाँ थोड़े नाल मनदीप कौर खालसा, तो शुरुआत एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरों से। जम्मू कश्मीर में अतवादियों खिलाफ सुरक्षा दस्तियों का एक्शन जारी। कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च मुहिम दौरान सुरक्षा दस्तियों के तकरीबन 3 जवान शहीद, 2 अतवादी हलाक। भारत चीन दरमियान तनाव में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत चीन दरमियान जंग का खतरा बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के 4 साल पूरे होने मौके दिया बयान, कहा नोटबंदी नाल काले धन नूं घट करन विच मिली मदद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। जम्मू कश्मीर में अतवादियों खिलाफ सुरक्षा दस्तियों का एक्शन जारी है। कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च मुहिम दौरान सुरक्षा दस्तियों के 3 जवान शहीद हो गए। जानकारी मुताबिक अतवादी भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे सन। इस दौरान सुरक्षा दस्तियों ने 2 अतवादियों ढेर कर दिता। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए पूरे इलाके घेर लिया है। दरअसल 7-8 नवंबर की दरमियानी रात को कंट्रोल रेखा से अतवादियों वालों घुसपैठ की कोशिश की गई। फौज को जिवें ही घुसपैठ की जानकारी मिली तो उन्होंने इसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। फौज ने मुहिम में 2 घुसपैठिए मार दिखाए। फौज ने तलाशी मुहिम में 2 अतवादियों की लाशा भी बरामद हुई ने, पर इस मुहिम में फौज के 2 BSF का 1 जवान शहीद हो गया है। एक पासे जिथे भारत ते चीन विचकार सरहदी विवाद सुलझाउण संबंधी बुलाई गई 8वें दौर की बैठक बेसिट्टा रही, उथे दूसरे पासे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत मानते हैं कि चीन तो खतरे को देखते हुए ड्रैगन नाल जंग दीआं संभावनावां अणगौलिया नहीं किया जा सकता। उन्होंने बयान उस वेले दिता है जदों भारत ते चीन विचकार गलबात चल रही थी। जनरल रावत का यह भी कहना है कि बीते लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से काफ़ी बीते दिन तनाव रहा है और अजे कभी भी दोवां देशों विचकार जंग छिड़ सकती है। उन्होंने मुताबिक जिवें दे हालात चीन ने सरहद ते पैदा किए ने उन्होंने नाल हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं तो दोवां धड़ियां विच संघर्ष हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतवार यानी कि अज नोटबंदी के 4 साल पूरे होने मौके कहा है कि इस नाल काले धन नूं घट करन विच मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी नाल टैक्स जमा करन विच वाधा होया है अते पारदर्शिता भी वधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की अद्धी रात तो 500 रुपए अते 1000 रुपए के नोटों नूं बंद करन दा ऐलान किया सी। मोदी ने ट्विटर ते मुद्रीकरण दे अपनी सरकार दे फैसले दे फायदियां बारे गिणाया है। उन्होंने ट्वीट किया कि नोटबंदी करके काले धन नूं घट करन विच टैक्स ते पालना वधाउण विच अते पारदर्शिता मजबूत करन विच मदद मिली है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार से तिखा निशाना साध्या है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार किसानी के मसलों प्रति गंभीर नहीं है और पंजाब नूं किसी दुश्मन वांग समझ के नीतियां कढ़ रही है। अमृतसर में पत्रकारों के नाल गलबात दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नूं किसानां दी मुश्किल समझनी चाहिए है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं कहना चाहना है, तुसीं प्रेस्टीज क्यों बनाई जांदे हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तां ऐं पंजाब नूं डील कर रही है जिवें कोई पाकिस्तान नूं डील करी जांदा है कि असीं आह कर दांगे, ओह कर दांगे, ये कर दांगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं पता होना चाहिए था, आ पंजाब दे बहादुर किसान है जिन्हां ने जिहड़े अज रेल गड्डियां पटरियां ते बैठे क्यों बैठे है, हक की लड़ाई वास्ते बैठे है। ते और किसान जे पूरे देश नूं अन्न दिंदे रहे है, आ जे ओह कुछ चीज मंगदे है थोड़ा हक नहीं है, ऐं तुसीं जबरदस्ती करोगे रेल बंद कर दोगे, असीं आह कर दांगे, वह कर दांगे, ऐं देश नहीं चलदे। जिस तरीके नाल आ सोच चल रही है सेंटर दी, मैं स्ट्रोंगली कंडेम करना।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਤੇ ਖਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। एक सख्त एक अड़ियल एक जिद्दी बर्ताव जरा किया जा रहा पंजाब के किसान संघर्ष न वो बड़ा दुखदाई आ और मैं समझदा कि केंद्र सरकार अज पंजाब ना बगानिया वाला बर्ताव कर रही है। केंद्र सरकार का यह बर्ताव जरा है पंजाबियों नू किसी तरह भी माफ नहीं है और पंजाबियों ने देश की आज़ादी दे विच सब तो वध खून डोलिया। देश की आज़ादी के बाद देश दी सरहदां ते राखी करन भी सब तो वध खून डोलिया। देश के विकास से भुखमरी दूर करन भी अहम रोल अदा किया। अज उस पंजाबी भाईचारे नूं अणगौलिया करके अज उस भाईचारे नाल एक सख्त बर्ताव करके एक आर्थिक घेराबंदी करके संघी कुट के पंजाबियों नूं मारन की जिहड़ी सोच आ इह किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। केंद्र सरकार नूं गलबात का राह तैयार करके जे संघर्ष करने वाले लोग रेल दियां पटरियां वेलियां कर रहे हैं तो उन्हां पटरियां ते केंद्र सरकार नूं रेलां चलाउण दे विच कोई मैं समझदा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये शर्तां ला के कदे मुसाफर गड्डियां दियां कदे प्लेटफार्म जां रेलवे दे सारे प्रमिसिस वेले कर दियां ये शर्तां जिहड़ियां बगानियां नाल लाई दियां ने ये शर्तां विदेशियां नाल लाई दियां अपने नाल शर्तां नहीं कदे लाई दियां। किसानों वालों लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उधर केंद्र सरकार वालों भी अड़ियल रवैया अपनाया होया है। हुण किसानों के हक विच पंजाब दे सिख संगठन भी खुल के नितरे ने। अमृतसर साहिब तो चल के राजपुरा पहुंचे जगतार सिंह हवारा कमेटी के नौजवानों ने शंभू बैरियर वाल रवानगी पाई। किसानों के हकों लिए साथ देने जा रहे नौजवानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ भड़ास कढ़ी। कुछ समा पहला आम आदमी पार्टी में शामिल हुई मशहूर पंजाबी गायिका अनमोल गगन मान नू पार्टी हाईकमान ने वड्डी जिम्मेवारी सौंप दिया। पंजाब यूथ विंग की सह प्रधान नियुक्त किया है। इस दे लई पार्टी के कौमी प्रधान अरविंद केजरीवाल ने बकायदा ट्वीट करके अनमोल गगन मान नू वधाई दी। इस बाबत ट्वीट करके जानकारी देंदे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सूबे में अपने संगठनात्मक ढांचे का विस्तार करते हुए आम आदमी पार्टी ने अनमोल गगन मान नू पंजाब यूथ विंग की सह प्रधान नियुक्त किया है। इस मौके केजरीवाल ने लिखा है कि अनमोल गगन मान जी पंजाब का यूथ दर दर भटक रहा है उसनों सिर्फ आम आदमी पार्टी भरोसा है नवी जिम्मेवारी लिए वधाई पंजाब दे यूथ नाल मिल के नवा पंजाब बनाउणा है। बाबा श्री मोहनपाल सिंह जी आनंद खड़ावा वालियां दा दावा सच साबित होया है जिस दे तहत जो बाइडन अमेरिका दे राष्ट्रपति बने ने। पेश है इस बाबत साडी एक खास रिपोर्ट। आज दुनिया दे सब तो ताकतवर देश अमेरिका दे राष्ट्रपति दी चोन विच जो बाइडन दी जीत ते हिंदुस्तान अते दुनिया दे वड्डे महापुरख तन तन बाबा मोहनपाल सिंह आनंद खड़ावा वालिया ने उन्हां नूं जीत दी बधाई दित्ती है। इत्थे दस दईए कि बाबा मोहनपाल सिंह आनंद खड़ावा वालिया ने 2 महीने पहला भविखवाणी कीती सी कि बाइडन जीतणगे ते ट्रंप हारणगे ते इत्थों तक उन्हां ने मार्जन भी दस दित्ता सी कि कौन किन्नियां वोटां नाल जीतेगा ते जिवें ही इह गल सच साबित होई ता बाबा जी नूं सब तो पहला बिडन दी सेक्रेटरी लुईस पैट्रिक ने बाबा जी दी भविखवाणी ते खुशी जाहिर कीती ते उन्हां दी सेहत याबी दी कामना करदिआं राष्ट्रपति दे सौंचुक समागम विच आउण दा सद्दा भी दित्ता। जिवें ही गल दुनिया भर विच पता लगी ता बाबा जी नूं वधाई देण वालिआं दा तांता लग गिआ। सब तो पहला वधाई देण वालिआं विच इंडोनेशिया दे साबका प्रधानमंत्री मोहम्मद रफीक, मस्कत दे शासक अलकुतेरी, जोर्डन दे बादशाह मोहम्मद बिन मूसा अते हिंदुस्तान दे वड्डे लीडरां चो श्री चिराग पासवान, श्री हरीश कुमार, साबका मंत्री अर्जुन सिंह दे बेटे राहुल सिंह, साबका मंत्री श्री मतन सिंह, रिलायंस दे श्री अनिल अंबानी, अडानी, एसएसटी दे श्री शशि लोहिया, गुजरात दे वड्डे बिजनेसमैन श्री केटीएन अते सिख लीडर परमजीत सिंह, मनजीत सिंह जीके, जतेंद्र सिंह सानी, डॉक्टर हरिंदरपाल सिंह पीएचडी अते अमरीका दे मशहूर व्यापारी ते सब तो अमीर सिख श्री रजिंदर सिंह बब्बू समेत अनेका राज्यां दे मुख्यमंत्रियां ने फोन करके बाबा जी नूं बधाई दित्ती है। इस समय बाबा जी दे श्रद्धालु दुनिया भर विच फैले हुए ने। वलों खुशी दा प्रगटावा कीता गया है ते सुनिया जा रहा है कि बाबा जी 1 महीने दे अंदर राष्ट्रपति नूं मिलन लई अमरीका जाणगे।
ਇਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਨ ਤਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦ ਖੜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਪ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੋਗ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਲਿਬਨਾਨ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਐਕਟਰਸ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਆਦਿ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯਾਬੀ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਗੇਟਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਨ ਤਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦ ਖੜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 23-23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦ ਖੜਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9811388000 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੈਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁੜੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਦਰ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਕੀ ਲੜਕੀ ਥੀ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਫਾਦਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਸਕਾ ਰੇਪ ਕਮਿਟ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਲ ਕੋ ਰਾਤ ਕੋ, ਔਰ ਇਸਕੀ ਆਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਾਦਰ ਹੈ ਲੜਕੀ ਕਾ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਰੇਪ ਕਮਿਟ ਕੀਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀ ਜੋ ਹੈ ਘਰ ਮੇ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਅਕੇਲੀ ਥੀ, ਇਸਕੀ ਜੋ ਮਦਰ ਥੀ ਵੋ ਘਰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਆ ਹੁਆ ਥਾ, ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਉਸਮੇ ਇਸਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੀਆ ਹੈ ਰੇਪ ਕੀਆ। ਨਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ
जो दुनिया भर के अंदर गुरु साहब जी के दिते उपदेश के नाल मानवता की सेवा कर रहे हैं, अकाल पुरख की उस्तत करते हुए घर घर गुरु नानक देव पातशाह जी तो लैके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तक का संदेश घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये साढ़े जीवन काल का सब तो सुनहरा समय है, क्योंकि गुरु साहब ने अपने ते अपार दया कृपा रहमत बख्शिश की। पहला तो सानू इंसानी जामे च भेजिया, ये नेत्र दिते, ये कन्न दिते, ये जीभा दिती, फिर गुरसिख के घर च जन्म दिता, बाणे ते बाणी नाल जोड़ किया, ये मेरे मालिक की अपने ते कृपा है। और फिर ऐसे वेले जदों की ये सारी सृष्टि गुरु नानक देव पातशाह जी का 550 साल मना रही, गुरु तेग बहादुर साहब जी पातशाह जी का 400 साल प्रकाश पुरब के आगमन की खुशियां के अंदर ये महान सेवा करने का उपरा मौका गुरु साहब ने सानू ते तुहानू दिता है। ये बड़ी बख्शिश है गुरु साहब की। गुरु तेग बहादुर जी पातशाह जी का यह पवित्र स्थान है जिथे गुरु साहब ने मानवता की रक्षा करते हुए, तिरक जनेऊ की रक्षा करते हुए बहुत वड्डा मानवता लिए एक ऐसी शहादत दिती जिहड़ी रहिंदी दुनिया तक ना कोई सानी हो सकता है, ना कदी कोई सानी होगा, और रहिंदी दुनिया तक इस जगत के लोग जे गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणा कमलों ते आके नित अपना शीस नवा के नक रगड़ के नित सिजदे करन, फिर भी गुरु साहब जी का दिता एडा वड्डा उपकार कोई उतार नहीं सकता। उधर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पुरब को समर्पित समागम बाबत गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के हैड ग्रंथी ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा ने जानकारी साझी की है। सन्मानयोग सात संगत जीओ, बेअंत बेअंत वधाइयां साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल पावन प्रकाश पुरब के प्रोग्रामा की अरंभता की, जो अज गुरद्वारा सीसगंज साहब तो श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति उपरंत अरदास यह समागम आरंभ होया है। गुरु तेग बहादुर साहब जी का देना असी दे नहीं सकते। जे अज हिंदू भरा कहिंदे ने गर्व से कहो हम हिंदू हैं, असी कहिंदे आ माण नाल कहो असी सिख हाँ, यह गर्व ते माण नहीं रहना सी जे गुरु तेग बहादुर साहब शहीदी ना दिंदे। गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साल पावन प्रकाश पुरब मनाउण दी आरंभता उन्हां दे ही महान शहीदी अस्थान गुरद्वारा सीसगंज साहब तो हो रही है। ये सीसगंज साहब ओ जो हुकूमत ते औरंगजेब कहिंदा सी कि सीस उतार देंगे, गुरु तेग बहादुर साहब जी कहिंदे तुहाडी जरूरत नहीं कि तुसी सीस उतार सको, सीस ते असी आप मालक वाहिगुरू जी दे पाणे च देण आए हाँ, जे उन्हूं भावेगा ते सीस उतरेगा नहीं, सगों सीस सीसगंज साहब दे रूप कायम हो जाएगा। रहिंदी दुनिया तक सीसगंज साहब दे रूप च ये सीस कायम हो गया, लखां सीस रोज सिजदा करके निकलते ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी एक गल कह गए कि सीस गंज, सीस उतार के जो गंज, गंज का मतलब हुंदा खजाना, ये सीस का खजाना मैं भर चलिया हाँ, जद भी देश कौम ते कोई औंकड़ आवेगी मरजीवड़े सिरां उत्ते खफन बन के सीस तली ते धर के तैयार बर तैयार रहणगे। सात संगत जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी दे करके साडी अणक गैरत ते सम्मान कायम है। अपील है 400 सालां नूं बड़े जज्बे नाल असी मनाउणा है चढ़दी कला टाइम टीवी राही, ये बेनती दास वल्लों है। दुबई दे उगे कारोबारी अते सरबादा पलार ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट दे सरप्रस्त डॉक्टर एसपी सिंह गोबराए दे वड्डे यत्ना दे सदका कपूरथला जिले दे पिंड धारीवाल बिट नाल संबंधित 45 साल सुखविंदर सिंह पुत्र नाजर सिंह दा मृतक शरीर दुबई तो श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर विखे पहुंचया। इस संबंधी जानकारी सांझी करदिआं सरबादा पलार चैरिटेबल ट्रस्ट दे स्थानक आगू ने दस्सिया कि सुखविंदर सिंह काफ़ी साल पहलां अपने परिवार के आर्थिक हालात नूं सुधारन की कोशिश विच दुबई मेहनत मजदूरी करन लई गया सी कि अचानक बीती 21-22 सितंबर की रात नूं
ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਬਰਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 211 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਵਾਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। अज असी सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट जिला इकाई वालों श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्री हवाई अड्डा अमृतसर विखे आए हैं। अज इत्थे एक नौजवान जिहड़े सन सुखविंदर सिंह उन्हां दी पिछले दिन दुबई दे विच हार्ट अटैक कारण मौत हो गई सी। उन्हां दे परिवार नूं जदों इस चीज़ का पता लगा तो उन्होंने काफ़ी चाराजोई की, पर डैड बॉडी जिहड़ी सी ओह भारत नहीं सी आ सकती। फिर उन्होंने डॉक्टर एस पी सिंह ओबराए जी नाल संपर्क किया तो उन्होंने जतना सदका अज जी सुखविंदर सिंह की मृतक दे इतने अच्छ पहुंची है तो उन्होंने परिवार को असी जी सौंप दी है। जिक्र योग है कि हूँ तक डॉक्टर एस पी सिंह ओबराए तो संबंधा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के जतना 211 जड़िया मृतक दियाँ जड़िया वो भारत लिया के उन्होंने वारसा के हवाले की गई हैं तो अंतम रस्म जड़िया निभा सके। तेजी नाल विकसित हो रहे जीरकपुर शहर के अंदर बिल्डर अते नगर कौंसल जीरकपुर के अधिकारियों की मिली भुगत नाल बन रही नाजायज़ उसारियां संबंधी समाज सेवक सुखदेव चौधरी की अगुवाई में जीरकपुर शहर के अंदर भारी रोस मार्च कढ़िया गया, जिस विच स्थानक वसनीकों ने वध चढ़ के हिस्सा लिया। समाज सेवी और जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रधान सुखदेव चौधरी ने पत्रकारों के नाल गलबात करते हुए कहा कि नगर कौंसल जीरकपुर के अधिकारी शरेआम बिल्डर नाल मिल के नाजायज़ उसारियां करवा रहे हैं। अमृतसर पुलिस नूं उस वेले कामयाबी मिली जदों पुलिस टीम नूं चैकिंग दौरान दो मुलजमान नूं हैरोइन समेत काबू किया, पुलिस वालों मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुण की जा रही है। जगराओं में वापरे एक सड़क हादसे में थाना हटूर में तैनात थानेदार अशोक कुमार की मौत होने का मामला सामने आया है। दसिया जा रहा है कि अशोक कुमार अपनी कार से सवार होकर जा रहा है कि अचानक ही उसकी कार के अगे आवारा पशु आने के नाल संतुलन गवाने तो बाद दरख्त नाल टकरा गई, जिस नाल कार सवार की मौत हो गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।